वेलकम बैक टू माई चैनल सो हेयर वी आर विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास नाइन्थ जोग्राफी एंड दैट इज मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टॉनिक्स मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स एंड द प्लेट बाउंड्रीज इसको थोड़ा रिकैप करते हैं देखो जो पूरी अर्थ है इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स पेंथलासा एंड पेंजिया ये बात कर रहे हैं हम टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो तो पेंथलासा एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी था पेंजिया एक बहुत बड़ा लैंड मास था तो ये जो पेंजिया है इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स देखो कुछ एक्सटर्नल फोर्स होते हैं कुछ इंटरनल फोर्स तो एक्सोजेनिक एक्सटर्नल फोर्स एंड इंडोजेनिक इंटरनल फोर्स की वजह से पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया जो इसका नॉर्थ पार्ट है एंड मीन्स दो पार्ट दो पार्ट्स कौन से थे नॉर्थ एंड साउथ जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड एंड जो साउथ पार्ट है उसको बोलते थे गोंडवाना लैंड एंड आप एक चीज़ याद रखें ये अक्सर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया है ये किसका पार्ट था सो इट वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड तो आप इस चीज़ को भूले मत ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था अंगारा लैंड में आएगा यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका एंड जो गोंडवाना लैंड है उसमें आएगा अफ्रीका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड अंटार्क्टिका तो ये सब आएंगे इसमें तो उसके बाद हमने देखा था कि ये जो पेंजिया है इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एंड एक्जोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्स की वजह से ये डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड हो गया देखो जैसे हमारी अर्थ की थ्री लेयर्स हैं क्रस्ट मेंटल कोर तो जो क्रस्ट है दैट फ्लोट्स ऑन द मेंटल ड्यू टू द एक्जोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्स अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ ब्रोकन इंटू वेरियस पार्ट्स एंड दैट एवरी ब्रोकन पार्ट इज नोन एज प्लेट देखो कुछ एक्जोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई ब्रो, ब्रोकन हो गई तो ब्रेक होने की वजह से उसी को हम उस हर एक ब्रोकन पार्ट को हम बोलते हैं प्लेट टोटल ट्वेंटी सेवन प्लेट्स से, हैं जिनमें से सेवन मेजर प्लेट्स हैं एंड ट्वेंटी माइनर प्लेट्स हैं एंड सबसे लार्जेस्ट प्लेस प्लेट है पैसिफिक उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं ये डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज भी बनाती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो सकती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखो ये आप इधर चेक करो गोंडवाना ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंड इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल जॉइंट टुगेदर। कन्वेक्शनल क्रंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू टू द नंबर ऑफ पीसेज दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बींग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ तो जो नॉर्थ की तरफ जो पार्ट गया था उसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड एंड साउथ की तरफ जो पार्ट था उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट इसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसी की वजह से हिमालयाज बने हैं जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो so दैट आपको फ्री में एजुकेशनल वीडियोस टाइम पे मिलते रहें बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो so दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर करें इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन शेयरिंग द एजुकेशनल वीडियोज़ तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें एंड चलो आगे देखते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग द हिमालन माउंटेंस द नॉर्दर्न प्लेन्स द पेनसुलर प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट द कॉस्टल प्लेन्स एंड द आईलैंडस चलो अब हम इसी के बारे में देखते हैं हिमालय माउंटेंस हिमालयन माउंटेंस कैसे बने हैं देखो हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्लेट्स हैं ये जब एक दूसरे की तरफ आती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाती हैं तो क्या होता है जो हैवी प्लेट होती है वो सबडक्ट हो जाती है नीचे धंस जाती है एंड जो लाइटर प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है आप पहले हिमालय की लोकेशन देख लो एक बारी ये है हिमालय की लोकेशन ये जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं ये कैसे बने हैं इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कहीं पे ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं तो कहीं पे कम है माउंटेन्स तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप इस चीज़ को ध्यान से सुने कि देखो जो दो प्लेट्स हैं वो क्या होगा कि एक दूसरे की तरफ आएंगी मीन्स कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगी जब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी तो जो हैवी प्लेट है वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी एंड जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर आ जाएगी जहाँ पे जो हैवी प्लेट सबडक्ट हो रही है उसी को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन सबडक्शन जोन मतलब वहाँ पे जो हैवी प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी नीचे धस जाएगी तो उससे क्या होगा लावा बनेगा वॉलकैनिक एक्टिविटी हो सकती है अर्थक्वेक्स आ जाते हैं ठीक है नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ़ द वॉलैनिक एक्टिविटीज एंड अर्थक्वेक्स इज़ ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक ये चीज़ आप ध्यान में रखें एंड माउंटेन्स क्या होती हैं अर्थ का कोई भी ऐसा पार्ट जो कम से कम नाइन हंड्रेड मीटर से ज़्यादा हो जिसकी हाइट नाइन हंड्रेड मीटर से ज़्यादा हो एंड उसकी एक पीक हो उसको हम बोलते हैं माउंटेन तो हमारे हिमालयस भी कुछ ऐसे ही बने हैं The northernmost range is known as the Great or the Inner Himalaya or the Himadri. It's the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meters. It contains the highest peaks. The Great Himalayan folds are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite and its पैरानली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिस फ्राम दिस रेंज तो हिमालय की सिंपल बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं पीक होती हैं एंड वहाँ पर स्नो फॉल होता रहता है तो वो स्नो बाउंड हो जाती हैं हिमाचल के बारे में देखते हैं द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ़ द हिमादरी फॉर्म्स द मोस्ट रैक्ड माउंटेन सिस्टम इज़ नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालय द कम्प्रेस्ड एंड द आल्टर्ड रॉक्स The altitude varies between 3700 and 4500 meters ab dekho kya hai अब देखो क्या है कि जो ये सब नाइन हंड्रेड मीटर से ज़्यादा हैं तो माउंटेन्स तो हैं ही लेकिन ग्रेटर हिमालय से ये थोड़ी कम होती हैं जो ग्रेटर हिमालज हैं या फिर हिमाद्री है उसकी हाइट है सिक्स थाउजेंड मीटर्स एंड हिमाचल की जो हाइट है यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं जिसको हम लेसर हिमालज बोलते हैं उनकी हाइट होती है थर्टी से मीटर्स के इन बिटवीन वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज पीर पंजाल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है आप याद रखें द धौलाधार एंड द महाभारता रेंज आर ऑल्सो द प्रोमिनेट वन द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन द हिमाचल प्रदेश एंड दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन अब हम भी जाते हैं जैसे आप लोग भी जाते होंगे हिल स्टेशन्स पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या है पहाड़ी तो हैं जिसको हम देखने जाते हैं हिल स्टेशन पर और क्या है राइट वैदर है पहाड़ है तो इ इन सभी नेचुरल फिनोमिनाज को आप भी एक बारी ज़रूर एक्सपीरियंस करें आपको अच्छा लगेगा नेक्स्ट आते हैं शिवालिक्स द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ कॉल्ड द शिवालिक्स द एक्सटेंड ओवर अ विथ ऑफ टेन टू फिफ्टी किलोमीटर्स एंड हैव अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन नाइन हंड्रेड एंड एलेवन हंड्रेड मीटर्स देखो इनकी ये जो हाइट है वो नाइन हंड्रेड से एलेवन हंड्रेड मीटर के बीच होती है तो ये भी माउंटेन्स हैं लेकिन जो लाइक मिडल हिमालज हैं उनसे थोड़े कम होते हैं शिवालिक सबसे लाइक छोटे वाले माउंटेंस हैं इस रेंज में द लॉन्गील वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दूंस देखो दूनस क्या होते हैं जो हिमालियाज एंड शिवालिक ये दोनों के सेंटर वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं दून जैसे देहरादून कोटली दून पटली दून ये सब क्या है दूनस ही तो हैं The Himalayas are also divided in the, into regions from east to west and have been demarcated by the river valley. For example, the part of Himalayas lying between the Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it's also known as Kashmir and Himachal Himalayas from west to east respectively. उनको डायरेक्शन के तरफ से भी लाइक ईस्ट टू वी ईस्ट टू वेस्ट भी इसको डिमार्केट किया हुआ है मीन सेपरेट किया गया है बाय द रिवर वैली नेचुरल फिनोमिना है ये जैसे कि जो हिमालय का वो वाला पार्ट जो इंडस एंड सतलुज के इन बिटवीन है उसको पहले पंजाब हिमालयस बोलते थे लेकिन अब उसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट ओके